आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। जावेद भाई के बारे में यही कहूंगा कि हजारों साल हिना अपनी बेबसी पे रोती है, तब जाकर कहीं होता है दीदावर पैदा। ऐसे हमारे जावेद भाई जुझारू लीडर हैं और मेरी दिल से यही दुआ है कि आगे हमेशा अपनी फील्ड में पार्टी के लिए हमेशा इसी तरह जूझते रहें, काम करते रहें, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, सबको और समाज के विभिन्न लोगों को, जिस तरीके से समाज के लोगों के मामला में रहते हैं उस तरीके से सबका काम करते रहें। मेरी यही दिल से दुआ है। और हमारी मैडम महिला अध्यक्ष जिस तरीके से कांधा मिलाकर ये भी संघर्ष करते रहती हैं हर फील्ड में, ये भी इसी तरह आगे बढ़ते रहे, लोगों का काम करते रहे, यही मेरी दुआ है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं जावेद भाई को उनके जन्मदिन के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुशी खुशी जन्मदिन मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस मौके पर मैं इनको एक बार और मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाई जावेद फारूकी का जन्मदिन जो उन्होंने मनाया है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भिवंडी शहर के अंदर मैंने राष्ट्रवादी के लिए बहुत सारे काम किया। मेरे संगठन के लोग, मेरे अजीज दोस्त 18 तारीख की रात से जो उत्साह भिवंडी शहर की जनता ने मेरे लिए दिखाया है, मैं भिवंडी शहर की सभी मेरे दोस्त, मेरे युवा, मेरे बड़े, मेरे छोटे, जिस तरीके से सब लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और मेरे जन्मदिन के मौके पर मुझे बहुत सारी बधाई दी, 500 जगह लोगों ने केक काटा, मैं ऐसे सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं, ये हमारे तुफैल फारूकी साहब शिवसेना से हैं, पीके भाई कांग्रेस से हैं, मैं राष्ट्रवादी, ये अगाड़ी सरकार है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। और भिवंडी को, भिवंडी शहर के अंदर जिस तरीके से लोगों ने मुझे प्यार दिखाया है, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। जिस टाइम जावेद फारूकी की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह जावेद फारूकी आपके सामने खड़ा मिलेगा। ऐसे अपनी दो बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय महाराष्ट्र।